हाय गाइस, दिस इज मेघा फ्रॉम डिजाइनर पीपल। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि आज हमारा टॉपिक क्या है। तो हमारा टॉपिक है चूजिंग द राइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर योर बिजनेस। अब आप लोग इतने बिजी रहते हो अपने बिजनेस में, सबके पास कोई टाइम भी नहीं होता, हमें समझ नहीं आता कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करें। हमारे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, हमें कुछ भी नहीं समझ में आता। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कि हमें चूज कैसे करना है। तो स्टेप वन हमारा है आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। आइडेंटिफाई हमें ये करना है कि हमारा ऑडियंस है कौन, कौन हमारा टिपिकल कस्टमर है, उसकी एज ग्रुप क्या है, वो मेल है या फीमेल है, उसकी इनकम, उसका एजुकेशन लेवल, उनका इंटरेस्ट, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के अलावा भी उनका इंटरेस्ट किस सब चीजों में है। तो ये एक मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ। सपोज यू हैव अ स्पाइस ब्रांड और आपका टारगेट ग्रुप है हाउसवाइफ, शेफ्स, और उनका एज ग्रुप है 25 to 45 ईयर्स एज। तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ वी कम ओवर टू अ सेकंड स्टेप, डिफाइनिंग योर गोल्स। एवरी बिजनेसमैन शुड बी नोइंग आफ्टर डिसाइडिंग अबाउट द ऑडियंस कि हमारा गोल क्या है, व्हाट एग्जैक्टली वी वांट फ्रॉम सोशल मीडिया। क्या हम अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, या फिर ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, या रिलेशनशिप बढ़ाने हैं, या फिर कस्टमर सपोर्ट। जैसे कि अगर नया कोई लॉन्च ब्रांड है तो उसको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है। स्टेप थ्री, अब हमारा स्टेप थ्री आता है कि हमारा ऑडियंस फाइंड करना कि वो कहाँ पर एक्टिव है। हमने ऑडियंस डिसाइड कर लिया, हमने अपना गोल भी डिसाइड कर लिया, अब हमने ये डिसाइड करना है कि वो कौन से प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा एक्टिव है, और उसी के बेसिस में अब मैं आपको नॉलेज देने वाली हूँ कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस के लिए सूटेबल है। जैसे कि सबसे पहले फेसबुक। फेसबुक के थ्रू अगर आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है तो आप बहुत अच्छी ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट कर सकते हो उनके लिए। नाउ वी आर कमिंग ओवर टू ट्विटर। ट्विटर इज द एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अ ब्रांड अवेयरनेस। एंड द थर्ड वन पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट इज फॉर योर विजुअल बेस्ड प्लेटफॉर्म। कोई भी आपका जैसे फूड का बिजनेस है, फैशन है, आर्टिस्टिक कुछ भी है, उस पर आप बहुत अच्छे से डिस्प्ले करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। YouTube हमारा सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए, जिसमें हम कुछ नॉलेज शेयर कर सकें, बिकॉज यू नो द कंज्यूमर कस्टमर वॉन्ट्स द नॉलेज फ्रॉम यू थ्रू YouTube। LinkedIn इज टिपिकली B2B जनरेशन, जिसमें आप डायरेक्ट कस्टमर के साथ इंट्रैक्शन में आते हो, प्लस आपका रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन सब के लिए काम में आता है। Instagram इज अगेन द यूथ बेस्ड बिजनेस, वेयर यू कैन प्रमोट आर्ट, फूड, रिटेल एंड ब्यूटी। गाइज, आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज मुझे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं उससे बहुत मोटिवेट होने वाली हूँ और बहुत जल्दी जल्दी कुछ शेयर करती रहूंगी। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ फिर भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करिए। थैंक यू, बाय बाय।